हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्ट्रगल्स में मैं आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बगल में बने हुए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, हमारी पर्सनालिटी हमारे ड्रेसिंग सेंस से रिफ्लेक्ट करती है। तो दोस्तों, हमें अपने कपड़ों का सिलेक्शन करते समय ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस टाइप के कपड़े ले रहे हैं, हमारी बॉडी पे कैसे लगेंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो ड्रेसिंग सेंस को लेके आई हूँ कि ऐसे में कुछ 5 टिप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को जो हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। तो जिन लोगों को भी ये लगता है, निराश होते हैं कि हमारी पर्सनालिटी हमारी ड्रेसिंग सेंस से मैच नहीं करती है, तो उनके लिए टिप्स बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा एंड तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। स्टेप नंबर 1 मेरा है आउटफिट का सिलेक्शन। हमें अपने आउटफिट का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना चाहिए कि आजकल फैशन में क्या चल रहा है और हम क्या खरीद रहे हैं, किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर कैसा लगेगा और हमारा बॉडी टाइप क्या है। अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं कहीं पे भी, अगर वहां पे आजकल तो सभी जगह ऐसा है नहीं कि आजकल तो सभी जगह पे चेंजिंग रूम होते हैं जहाँ पे आप कपड़े पहन के देख सकते हैं। तो हो सके तो आप कपड़े पहन के देखें अपने ऊपर कि वो कपड़े आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कोई भी कपड़े किसी को देख के उठा के ले आए, फिर वो आपके ऊपर अच्छे ना लगे, फिर आप जबरदस्ती वो पहने तो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं। तो इसलिए कपड़े खरीदते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले तो ट्रायल रूम में आपको कपड़े एक बार पहन के जरूर देखना चाहिए कि वो आपके ऊपर कैसे लग रहे हैं। दूसरी चीज, समय और मौसम को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कपड़े आप जब भी पहन के कहीं जाते हैं या खरीदते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मौसम कैसा है और आप कहीं वो ओकेजन क्या है, आप किस ओकेजन में किस टाइप के कपड़े पहने, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप किसी दिन के फंक्शन में अगर कहीं जा रहे हैं तो आपको लाइट कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा चमचम वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वहीं अगर आप किसी रात के फंक्शन में जा रहे हैं तो वहां पे आपको ब्राइट कलर्स और थोड़े से स्पार्कल या चमकने वाले कपड़े वहां पे अच्छे लगते हैं, लेकिन दिन के फंक्शन में वही कपड़े आपको बहुत ज्यादा गंदा फील करवाते हैं। और कपड़े जब भी खरीदे तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो आपके बॉडी में फिटिंग हो, सही फिटिंग हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लूज हो और ना ही ऐसा हो कि बहुत ज्यादा बॉडी हगिंग हो, जिसमें आप सामने वाले को तो आप बिल्कुल भी बेकार लगने वाले हैं, वो आपकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कई बार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब कहीं किसी से मिलते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी नजर ही नहीं हटती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ खास किया नहीं होता है कि कुछ अलग हो, स्पेशल किया हो, लेकिन तो उनका बॉडी, उनका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होता है, उनकी पर्सनालिटी उनकी ड्रेसिंग सेंस से रिफ्लेक्ट हो रही होती है और बहुत अच्छी लग रही होती है। तो वो चीज हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करती है। तो हाँ, तो दोस्तों, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो टिप नंबर 1 मेरा ये था कि कपड़ों का सिलेक्शन कैसे करें। तो टिप नंबर 2 मेरा जो है वो है इंस्पिरेशन। दोस्तों, हम किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं, वो हीरो या हीरोइन हो सकता है, वो टीवी एक्टर या एक्ट्रेस हो सकती है, हम किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको कॉपी करते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उनका बॉडी टाइप अलग है, हमारा बॉडी टाइप अलग है, हम उनको बिल्कुल सेम कॉपी करने की कोशिश ना करें। हमें कलर और डिजाइन को डिफरेंट कर देना चाहिए कुछ, या कपड़े हम स्टिच करवा रहे हैं तो थोड़ा डिजाइन अलग स्टिच करवा रहे हैं तो थोड़ा सा अलग कुछ करवा दें कि उनसे थोड़ा अलग लगे, इस टाइप से करना चाहिए, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि जो कपड़े उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं वो कपड़े हमारे ऊपर भी अच्छे लगेंगे। कोई टाल होता है तो कोई शॉर्ट होता है और हमें ये लगता है कि उन्होंने ये कपड़े पहन के तो उनके ऊपर अच्छे लग रहे हैं, और बाकायदा वो शायद वो लंबी हों और हमारी हाइट शॉर्ट है तो वो कपड़े हम शॉर्ट होकर पहन लेंगे तो हम बहुत गंदे लगेंगे। इसलिए हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उनका बॉडी टाइप अलग है बिल्कुल, हमारा बॉडी टाइप बिल्कुल अलग है। तो हमें जब भी उनको उनसे इंस्पायर होकर कोई भी कपड़े कॉपी करें तो हमें बिल्कुल इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपना भी कुछ सोचना, अपना भी अपनी पर्सनालिटी को भी ध्यान में रखे उनको कॉपी करना है। तो टिप नंबर 2 मेरा दोस्तों ये था। टिप नंबर 3 मेरा जो दोस्तों है शूज। दोस्तों, शूज भी हमारे ड्रेसिंग सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, जैसा कि ये होता है कि हम चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन ले, चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर हमारा शूज का सिलेक्शन सही नहीं है तो वो कपड़े एकदम बेकार लगते हैं, घटिया लगते हैं, चाहे वो कितने भी महंगे हों वो एकदम बेकार लगते हैं। इसलिए हमें अपने शूज का सिलेक्शन अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए कि हमने कैसे कपड़े पहन लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने शूज सेलेक्ट करने चाहिए कि दोस्तों। और हमें डे और नाइट का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी के हिसाब से हमें पार्टी वेयर शूज पहनने चाहिए, और अगर हम सिंपल जा रहे हैं तो सिंपल शूज पहनने चाहिए। हमें कपड़ों के हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जीन्स के ऊपर कौन से कब शूज पहनने हैं और हमें साड़ी के ऊपर कैसे शूज पहनने हैं, कैसे सैंडल्स पहनने हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं मेरा टिप जो है मेन्स के लिए भी, क्योंकि मैं जो ये ड्रेसिंग सेंस बता रही हूँ मेल और फीमेल दोनों के लिए, दोनों फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो आपके लिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके शूज एकदम क्लीन होने चाहिए, फटे हुए तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और हमें
हमेशा पॉलिश्ड होने चाहिए। फटे हुए शूज बहुत गंदे लगते हैं और सामने वाले के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट डालते हैं। इवन आपने कितने भी महंगे कपड़े पहन रखे हो, लेकिन अगर आपने शूज फटे हुए पहन रखे, आपके शूज गंदे से लग रहे हैं, पॉलिश नहीं है, तो सामने वाले की नजर, आपकी पर्सनैलिटी एकदम बेकार हो जाएगी उसके सामने। तो अपने शूज का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करें, कपड़ों के अकॉर्डिंग ही करें, कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा महंगे शूज पहनेंगे तभी आप बहुत अच्छे लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए, बहुत महंगे शूज ना होकर बस ये कि आप अपने ड्रेस के साथ वो मैचिंग करते पहने, कि वो आपके ड्रेस के ऊपर मैचिंग करने चाहिए। मैचिंग करने से मेरा सेंस ये बिल्कुल नहीं कि आप जिस कलर की ड्रेस पहन रहे उसी कलर के शूज पहनने, बिल्कुल भी नहीं। बस ये कि आप अगर जीन्स पहन रहे तो जीन्स के ऊपर ऐसा ना हो बहुत चमचम वाली सैंडल पहन लें, और आप साड़ी पहन रहे हो साड़ी के ऊपर ऐसा नहीं कि एकदम सिंपल पहन लिए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप मिक्स एंड मैच करके अगर शूज पहनते हैं अपने, तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो टिप नंबर 3 दोस्तों मेरा ये था। दोस्तों टिप नंबर 4 जो मेरा है, एक्सेसरीज। दोस्तों हम अच्छे कपड़े पहन के तो अच्छे लग ही जाते हैं, अगर हमने अच्छी एक्सेसरीज पहन ली उसके साथ में, तो वो हमारी पर्सनालिटी में चार चांद लगा देता है। एक्सेसरीज से मतलब ये मतलब नहीं कि आप बहुत ज्यादा जेवर ला लें या बहुत ज्यादा हैवी चीजें पहन लें। एक्सेसरीज पहनने समय भी हमें ये चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कौन सी ड्रेस पहन रहे हैं, किसके ऊपर कौन सी एक्सेसरीज अच्छी लगेगी, और हम किस जगह पे हैं, क्या टाइम है, कौन से फंक्शन में, इन सब चीजों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है। दोस्तों जैसे ऐसे जैसा है, तो दोस्तों ऐसा है कि जैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में आपको बहुत ज्यादा हैवी एक्सेसरीज नहीं पहन के जानी चाहिए। ऑफिस में स्टाइलिश लगने के लिए आपको सिंपल छोटे इयररिंग्स पहन सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगे, इस टाइप से सिंपल भी हो और बहुत ज्यादा यूनिक लगे। आप एक अच्छी सी वॉच पहन सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती। आप इन दोनों चीजों से ही बहुत ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। वैसे अगर आप किसी नाइट पार्टी में जा रहे हैं तो आप हैवी ज्वेलरी पहनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब सिंपल अगर किसी डे आउट करने जा रहे हैं आप फ्रेंड के साथ घूमने जाए तो भी आप हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं और एंटिक ज्वेलरी पहन सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मेंस के लिए भी यही है कि अगर वो अपने आपको एक्सरसाइज कराना चाहते हैं तो अच्छी बहुत अच्छी बेल्ट यूज कर सकते हैं अपने लिए। ऐसी बेल्ट यूज करें जो बहुत उनकी पर्सनैलिटी में हाईलाइट हो, उनके ड्रेस में हाईलाइट हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चमचम वाली हो, सिंपल हो, सोवर हो और अच्छी लगे। और एक अच्छी वॉच यूज कर सकते हैं, और बहुत से मेंस ऐसे होते हैं जो रिंग भी पहनते हैं तो एक रिंग भी पहन सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो मेल दोनों के लिए टिप है कि अपने आपको एक्सरसाइज करें जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो टिप नंबर 5 जो है वो मेरा है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल हमारी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, बहुत ज्यादा असर डालती है कि हमने किन कपड़ों के साथ कैसी हेयर स्टाइल बना रखी है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन सब चीजों का। अगर हमारी हेयर स्टाइल अच्छी है तो हम कोई भी कपड़े पहनते तो हमारे पर बहुत अच्छे लगते हैं। और यही होता है कि हमने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए, शूज भी अच्छे पहन लिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी हेयर स्टाइल ना एकदम बकवास है तो हम बहुत बेकार लगेंगे। मैं तो सिंपल गर्ल्स के लिए तो सिंपल बताऊंगी, अगर वो कोई हेयर स्टाइल नहीं कैरी कर सकती है तो अब वो ओपन हेयर रख सकती है। ओपन हेयर हर एक ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आप ओपन हेयर नहीं रखना चाहती हैं, आपको हेयर स्टाइल कैरी करना चाहती तो जैसे अगर आप साड़ी पहने तो साड़ी के साथ जूड़ा लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप लंबी छोटी भी रख सकते हैं, अगर आपके बाल लंबे हैं तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और यही अगर आप जीन्स पहन रहे हैं तो आप ऊंची पॉइंटल कर सकते हैं। आजकल तो मैसी बन हाई बन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और बहुत ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। वही मेंस के लिए मेरा जो टिप है कि उनकी हेयर स्टाइल के लिए कि जो मेंस लोग होते हैं उनके बाल हमेशा अच्छे से कटे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि यहाँ से बाल निकल रहे हैं यहाँ से बाल निकल रहे जो कि बहुत ज्यादा गंदे लगते हैं। उनके बाल अच्छे से कटे होने चाहिए और उनकी जो सेविंग है हमेशा अच्छे से बनी होनी चाहिए। आजकल तो बड़ी सेविंग का फैशन चला तो उसे भी अच्छे से ट्रिम करा के रखना चाहिए जो कि उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा असर डालती है। अगर आप इन सब टिप को फॉलो करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देगी, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो दोस्तों कई वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये टिप्स आपको कुछ भी यूजफुल लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसे, और मेरे वीडियो देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करें।